What do you need to succeed in your life? But how to achieve this is the question. Let's go back in time. Around 1500 years ago, we Indians came up with an amazing game called Shatranj. All the ancient kings, policymakers, and think tanks of that time used to play chess to strategize. According to a research, if a child plays chess for 1000 hours between the time period of 1st to 10th grade, she will easily solve most of the problems on her own. हमेशा से एक बुद्धिजीवी वो गेम खेला है तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि चेस खेलने वाला बुद्धिजीवी बन जाता है कि इसमें नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो गई है एंड हर चीज के पीछे ये लॉजिक ढूंढने लगी है इसका क्या कारण है ये ऐसा क्यों होता है एंड इसकी जगह मम्मा ये भी तो हो सकता है इसको ये पता है अगर मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन भी लिया है तो वो मुझे ही फेस करना है एंड शी इज रेडी टू फेस दैट उसने अपने माइंड को उस हिसाब से एक्टिवेट कर लिया कि भाई कोई पावरफुल आदमी के बिना भी हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मैंने अपने बेटे के केस में क्रिएटिविटी उसके अंदर एकदम से डेवलप हुई पिछले 2-3 सालों में जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो रिमार्केबल इम्प्रूव हुई है हमारा दिमाग भी होता है उसको भी तंदुरुस्त करना होता है उसको भी फिट करना होता है उसको भी तेज करना होता है उसके लिए चेस मेजर गेम है पहले की बजाय वो ज़्यादा एक जगह ध्यान लगा पाते हैं मुझे लगता है कि शार्प माइंड होता है कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है बच्चे का एजुकेशन पे बच्चे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं बेटे के साथ बहुत चेस खेला है और जो मेरी ग्रैंड डॉटर 6 साल की हुई तो उसके साथ भी और शी इज एन एविड रीडर मे बी बिकॉज ऑफ द चेस मेरी मेमोरी शार्प हुई है इवन लाइक रीडिंग कैपेसिटी एंड I have improved my life. कोई एज बार नहीं है कि छोटे बच्चे हैं बड़ों के साथ दादा पोता भी खेल सकते हैं चेस में लो रिसोर्सेज में सर्वाइव करना सीखता है कई बार कि आप खेलते खेलते आपके हाथी घोड़े काफ़ी सारी सेना जा चुकी है बोर्ड से बाहर हो चुकी है तब आप बहुत सोच समझ के अपने लो रिसोर्सेज को यूज़ करके जीत की तरफ कोशिश करते हैं उस तरीके से उसकी थिंकिंग डेवलप होती है और साइकोलॉजी के टर्म्स में हम इसको बोलते हैं ब्रेन में जो एक न्यूरल पाथवेज हैं वो बिल्ड होते हैं बहुत से कनेक्शंस आपस में जुड़ते हैं इससे बच्चे की मेमोरी शार्प होती है और एक लार्जर मेमोरी बैंक बच्चे का डेवलप हो जाता है थैंक यू